नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक एजुकेशन में। आज हम बात करने चाह रहे हैं इंडिया के टॉप 3 कंपनी के बारे में, जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, किसी भी टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए तो सारे स्टॉक सबसे बेटर होते हैं। और अगर टॉप 3 कंपनी की बात हो और उसमें आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में वो आपको नेगेटिव रिटर्न दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला शेयर है HDFC बैंक। आपको पता है हाल ही में इसका रिजल्ट आया है Q4 का, और जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड बताया जा रहा था कि ये 20% के आसपास का रिटर्न देगा, यहाँ इसने वैसा ही किया है। ये लगभग 18% का रिटर्न दिया हुआ है। आज की डेट में देखा जाए तो ये फिर भी 3% के ऊपर चल रहा है और 33.2 पर है। अगर पिछले 5 दिनों का हम देखें तो ये पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 2.5% ऊपर चल रहा है। और अगर 1 महीने की बात की जाए इसकी तो ये करीब 7% ऊपर था, 7% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। हाँ, हालांकि ये 6 महीने में थोड़ा गिरा हुआ है, 23% का करेक्शन इसमें आ चुका है, ये कोरोना वायरस के कारण हुआ है। आप लोगों के लिए तो ये और अच्छी बात है कि इसमें काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर YDT की बात करें तो ये 26% करेक्ट हो चुका है। YDT का मतलब होता है कि 2020 स्टार्टिंग से लेकर अब तक का। और अगर इसमें हम बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न का तो ये नेगेटिव चल रहा है 16% के रिटर्न में। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग दोगुना आपके पैसे किया है 88% में। और इसका अगर मैक्सिमम देखा जाए तो ये मैक्सिमम में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 4,322% का रिटर्न। ये छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। और चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, जो कि है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL की बात करें तो ये तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और हाल ही में जब से इसकी मर्जिंग हुई तब से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो ये लगभग फ्लैट रहा है, 0.3% के माइनस रिटर्न पे। और 1 महीने की बात करें तो ये 14% ऊपर है। और 6 मंथ की बात करें, जो कि जबकि कोरोना वायरस के कारण सारे मार्केट गिर रहे हैं, फिर भी इसने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। YTD की बात करें तो भी ये 20-21% का रिटर्न दे रहा है, जब से 2020 स्टार्ट हुआ है तब से जिसमें सारे मार्केट गिर रहे हैं उसमें ही इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो ये 162-163% का रिटर्न दिया है, जो कि आपके पैसे को दोगुना से ज़्यादा किया है इसने, तो ये इसे भी आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो यह है इन्फोसिस। हालांकि आज इसका रिजल्ट भी आने वाला है Q4 का, और आप देख सकते हैं कि ये लगभग 5-4.5% का रिटर्न अभी भी दे रहा है आज के डेट में। और अगर हम इसकी 5 दिन की बात करें तो भी इसने लगभग 3% का रिटर्न दिया हुआ है। और 1 मंथ की बात करें तो भी इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 12% के ऊपर का। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, और लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्होंने 1 महीने में भी लगभग 12-13% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो जैसे कि मार्केट करेक्ट हुआ है तो ये भी करेक्ट हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरा हुआ है, ये भी लगभग 2% के आसपास की है। और YTD की बात करें तो YTD में भी ये लगभग 11% करेक्ट हो चुका है। तो ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट गिरा है, जिससे ये स्टॉक हमें और सस्ते में मिल जाता है। और 5 साल की बात करें तो ये लगभग 31.5% का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर मैक्सिमम की बात की जाए इसमें तो मैक्सिमम में भी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, 1,132% का रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे ये स्टॉक हैं, और जिस हिसाब से मार्केट करेक्ट हुआ है और ये स्टॉक आपको काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं, तो आप इसमें भी अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये ऐसे स्टॉक हैं जो आपके पैसे को आने वाले 2-3 साल में डबल करने की हिम्मत रखते हैं। और काफ़ी अच्छे कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, और इन्फोसिस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। तो इसमें भी आप अपना रिसर्च करके इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। HUL भी FMCG में काफ़ी दिग्गज कंपनी है, इसको भी आप देख सकते हैं। HDFC बैंक भी अपने सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर, जो कि बैंकिंग सेक्टर है उसमें
टॉप वन की कंपनी है। तो ये रहे टॉप थ्री कंपनीज जो कि अपने सेक्टर में दिखते हैं, काफ़ी बड़े दिग्गज हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी इन्होंने दिया है, और ये हमेशा अपने मार्केट के लीडर रहे हैं। तो इसमें आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। और एक बात का ज़रूर आप ध्यान दें कि जब भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ तो अभी आप अपने इसमें तुरंत पोजीशन बना लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको वेट करना है, अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आपको इसमें पोजीशन बनाना है। और जिस हिसाब से मार्केट अभी कोरोना वायरस के कारण मार्केट करेक्ट हुआ था, अभी कोरोना वायरस पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है पूरे वर्ल्ड में, अब भी उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिर से करेक्ट होके और नीचे आएगा। तो आप तब तक वेट करिए और उसके बाद इंतज़ार करिए। जैसा कि इन्फोसिस का बता रहा है 5 बजे के आसपास इसकी Q4 की रिजल्ट आएगी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न आ सकता है। जिस हिसाब से इन्फोसिस पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी प्रॉब्लम में रहा है, काफ़ी इस पे केसेस चल रहे थे, काफ़ी इसके नाम पे ये हो रहा था कि इन्होंने पहले दूसरे क्वार्टर और तीसरे क्वार्टर में गलत अपना रिजल्ट शो किया है, जो कि काफ़ी अधिक प्रॉफिट इन्होंने शो कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इनकी जाँच की गई और इन्हें क्लीन चिट मिला हुआ है US की तरफ से और इंडिया की तरफ से भी। तो देखना होगा कि Q4 में इनका क्या रिजल्ट आता है, और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आ सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां और कई जगहों से इसे कांटेक्ट भी मिल रहे हैं, जैसे सऊदी की तरफ से, US की तरफ से, लंदन की तरफ से। तो इसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर ब्राइट है, और आप चाहेंगे तो इसमें पोजीशन अपनी रिसर्च करके बना सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन इन 3 दिग्गज कंपनियों को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और नहीं तो वॉच लिस्ट में तो ज़रूर शामिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।